क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जबलपुर में रिटायर विंग कमांडर और शौर्य पदक पर जानलेवा हमला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रिटायर विंग कमांडर और शौर्य पदक विजेता राजेंद्र टंडन पर जानलेवा हमला हुआ है। होम साइंस कॉलेज के पास राजेंद्र पर अज्ञात बाइक सवारों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पास के ही एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया है। हाथ पे चले बचाने के चक्कर में ठीक आप किसी गाड़ी में थे? स्कूटर पे आ रहे थे। राजेंद्र के परिजनों ने संपत्ति विवाद को लेकर भतीजे पर हमला करवाने की आशंका जताई है। परिवार वालों ने बताया कि राजेंद्र टंडन और भतीजे के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, इसलिए उन्हें संदेह है कि यह हमला भतीजे ने ही करवाया होगा। किस तरह की घटना हुई है, क्या फैक्ट सामने आए? ये टंडन के बाड़ा में होम साइंस कॉलेज के पीछे तरफ मिस्टर टंडन रहते हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर है एयरफोर्स से। इनका प्रॉपर्टी को लेके इनके परिवार में विवाद चल रहा है। आज ये साईं मंदिर से लौट रहे थे तो अभी ये इन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग थे, एक खड़ा रहा, दो लोगों ने इनके ऊपर हमला किया है। धारा 307 के तहत मुकदमा कायम किया गया है और इन्होंने अपने संदेह में ये बताया है कि इनका भतीजा है, वो उससे को लेके इनके प्रॉपर्टी का विवाद है। घटना कहाँ पर हुई? घटना हुई है होम साइंस कॉलेज से जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है वहाँ पे मिस्टर दत्त जो बिल्डर है उनका घर है उनके सामने। बता दें कि रिटायर्ड विंग कमांडर राजेंद्र टंडन को वीरता के लिए शौर्य पदक से नवाजा जा चुका है। मदन महल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।